हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज और याद कर लेते हैं कुछ और नए शब्द। तो पहला शब्द है हमारे सामने एब्डमन, और इसका मतलब होता है पेट। एब्डमन बच्चों, जब आपका मन खाने का करता है यानी भूख लगती है तो मन कहां चला जाता है? आपका मन पेट में। एब्डमन कहां चला जाता है? मन पेट में। दिमाग में ये तो चलता रहता है कि मम्मी क्या बना रही होंगी। ठीक है, एब्डमन मींस पेट। नेक्स्ट है अकूस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान। तो आप बोल रहे कि अकू स्टिक को रख दे, इससे ध्वनि मत कर, मुझे विज्ञान पढ़ना है। अकूस्टिक्स पे अकू स्टिक से ध्वनि मत कर, मुझे साइंस यानी विज्ञान पढ़ना है। याद हो जाएगा अकूस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान। नेक्स्ट है बच्चों एज्मा, इसका मतलब होता है दमा, एक सांस की बीमारी होती है। ठीक है, याद हो जाएगा एज्मा, इजी है। कुछ लोग अस्थमा बोलते हैं इसको, लेकिन होता ये एज्मा है। ठीक है, नेक्स्ट एवोकाडो, एक प्रकार का फल, नाशपाती के जैसा एक फल होता है एवोकाडो। तो आप बोलो कि अबे इसे काटो पहले, तभी तो खाएंगे ना, है ऐसे निकल लेगा कोई। ठीक है, एवोकाडो मींस एक प्रकार का फल। नेक्स्ट है बेश, बेश मींस हल्के भूरे रंग का। तो आप बेश से बना लो भैंस। आप बोलो कि मुझे एक भैंस चाहिए, लेकिन काले रंग की नहीं, कैसे रंग की? हल्के भूरे रंग की। ठीक है, ओके, बेश मींस हल्के भूरे रंग का। नेक्स्ट है बर्सर्क, बर्सर्क मींस निडर। अब आपने देखा कि बर का छत्ता था एक तरफ, तो आप अपने दोस्त से बोले कि सरक थोड़ा सा, बर का छत्ता है, तो आपका दोस्त क्या बोल रहा है कि अरे निडर बन, डर क्यों रहा है तू? बोला नहीं सरक जा भाई, खा गई ना तो सुझा देगी बिल्कुल। ठीक है, बर्सर्क मींस निडर। नेक्स्ट है ब्लिजर्ड मींस बर्फीला तूफान। अब एक दिन बिल्ली ने बोला लिजर्ड से, लिजर्ड में छिपकली, और बिल्ली ने बोला कि चलो घूमने चलने, दोनों गए और बीच में क्या आ गया? बर्फीला तूफान, बर्फ गिर पड़ी, दोनों की डेट खराब। ठीक है, ब्लिजर्ड मींस बर्फीला तूफान। नेक्स्ट है बच्चों ब्लजन, और इसका मतलब होता है गधा या फिर सोटा। तो ब्लू जिन निकालो, ब्लजन से क्या निकालोगे? ब्लू जिन। आपके सामने ब्लू जिन आया और आपने क्या कहा कि मुझे बस एक गधा या फिर एक सोटा दे दो। वो कहता ना हुक्म मेरे आका, जिन होते हैं ना ब्लू जिन। तो ब्लजन गधा या सोटा। नेक्स्ट है ब्रोकली, फूल गोभी, हरी फूल गोभी, फूल गोभी की तरह, फूल गोभी की तरह एक आती है ना ग्रीन कलर की, यस उसी को ब्रोकली बोलते हैं, यूजली जानते हैं सब लोग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने कैटेपोल्ट, इसका मतलब है गुलेल। हाँ, तो बच्चों एक बार आप गुलेल से खेल रहे थे, लेकिन कैट बार बार पीछे से आ रही थी, आपने कैट को रख के पुल कर दिया, कैटेपोल्ट। ठीक है, कैटेपोल्ट मीन्स गुलेल। नेक्स्ट है बच्चों चपाती, इट मींस चपाती, इजी है। नेक्स्ट है चेस्टाइज मींस दंड देना। देखिए चेस्टाइज को आप कैसे याद करेंगे? अच्छा, जनरली हम जो टाई बांधते हैं वो कहां बांधते हैं? गले पर, जाहिर सी बात है। अगर आपने चेस्ट पर बांध के जाए तो दंड तो मिलेगा ना स्कूल में, और फिर एक टाई की जगह दो टाई बांध जाए तो टाइज। ठीक है, चेस्टाइज मींस दंड देना। नेक्स्ट है हमारे पास डिबेटेबल, डिबेटेबल मींस विवादस्पद, डिबेट करने योग्य जो भी हो, इजी याद हो जाएगा डिबेटेबल। ठीक है, नेक्स्ट है डेलिंक्वेंसी, कर्तव्य पूरा ना करना, डेलिंक्वेंसी मींस कर्तव्य पूरा ना करना। आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे ना पढ़ने के लिए कहीं और जाना है, पहले आपको दिल्ली भेजा गया, तो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि दिल्ली में कौन सा तूने कर्तव्य पूरा कर लिया जो आप तुझे कोटा भेजू पढ़ने के लिए। ठीक है, डेलिंक्वेंसी मींस कर्तव्य पूरा ना करना। नेक्स्ट है डिमीनर मींस बर्ताव या फिर व्यवहार, डिमीनर कैसे याद आएगा? डिमीनर दीदी ने मीना से बोला कि जब कोई नर तेरे सामने आए तो अपना व्यवहार सही रखना, यानी स्ट्रिक्ट व्यवहार रखना। ठीक है, डिमीनर हो जाएगा बर्ताव या फिर व्यवहार। नेक्स्ट है हमारे पास डिंगी मींस डोंगी, एक पतली नाव होती है, डिंगी पतली सी नाव होती है, उसको बोलते हैं डोंगी। हाँ शायद छोटी पतली नाव नहीं होती एक, उसको बोलते हैं डोंगी। तो डिंगी से क्या याद आ रहा है? डिंगी तो लग भी ऐसी रहा है बिल्कुल, डोंगी याद हो जाएगा इजी। नेक्स्ट है डिसेंटरी या डिसेंटेरी पेचिश, एक रोग होता है ये, तो कह सकते हो डिसेंटेरी या दीदी ने संतरे ज्यादा खाए थे इसलिए ये वाला रोग हो गया पेचिश का, डिसेंट्री हो जाएगा, याद हो जाएगा सारा। चलिए एक बार देख लें, ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक योर टाइम बच्चों, देखिए चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए इकोज मींस गूंज, इको याद हो जाएगा, इकोज गूंज।
एडबल, एडबल मीन्स खाने योग्य। आपने देखा ना जेठालाल बोलता है कि मुझे डबल बटर वाला चाहिए, देखिए एडबल, ए डबल बटर वाला चाहिए, तभी तो खाने योग्य होगा ना, सिंगल बटर उसका खाने योग्य नहीं होता कोई भी चीज, ठीक है, एडेबल मीन्स खाने योग्य। नेक्स्ट है एलिमेंट्री, प्रारंभिक, इजी एलिमेंट्री, सबको याद रहता है एलिमेंट्री, प्रारंभिक। नेक्स्ट है इलिप्स, इलिप्स मीन्स अंडाकार आकृति, देखिए आपकी जो लिप्स है ना आप इसको अंडाकार बना सकते हो, बनाकर देखें, ट्राई करें, ठीक है, इलिप्स मीन्स अंडाकार आकृति, या ज्यादातर लोग देखा होगा जब फोटो खिंच सेल्फी लेते हैं ना तब वो अंडाकार अपने लिप्स बना लेते हैं, ठीक है, यू कैन ट्राई। नेक्स्ट इंडेवर, इंडेवर मीन्स प्रयास, देखिए इनके देवर, एक भाभी बोल रही है इनके देवर ने भी प्रयास किया था बट एसएससी पास नहीं कर पाए, हाँ दोबारा अटेम्प्ट किया था यानी प्रयास किया था तो पास हो गया, इसलिए कहा जाता ना कि प्रयास करना कभी ना छोड़ो, ठीक है, इंडेवर, इंडेवर या इनके देवर ने प्रयास किया था। ओके नेक्स्ट है फिटर, इसका मतलब होता है सुधारने वाला, फिट करने वाला, इजी है जो फिट कर दे, फिटर, ठीक है, सुधारने वाला। नेक्स्ट है फ्लैमिंगो, राजहंस पक्षी, फ्लैमिंगो, फ्लाई करते हुए मैंगो खा ले, ऐसा है राजहंस पक्षी, फ्लाई करते हुए मैंगो खा ले, ठीक है, फ्लैमिंगो राजहंस पक्षी। नेक्स्ट है फॉर्मिडेबल, भयानक, देखिए मेरा एक दोस्त, उसने अपनी जीएफ से बोला, गर्लफ्रेंड से बोला कि फॉर मी, देखिए फॉर मी मेरे लिए क्या तुम डबल हो सकती हो, बहुत पतली थी, अब वो एकदम से खा पी कर और मोटी हो गई, अब गलत ही तो कहा, भयानक लगने लगी, ठीक है, फॉर्मिडेबल भयानक, ओके फिर बोल रहा है कि भाई तुम तो भयानक लग रही हो, मैंने ऐसे थोड़ी नहीं बोला था, ठीक है, फॉर्मिडेबल मीन्स भयानक। नेक्स्ट है फ्रैकस, फ्रैकस मीन्स दंगा, फ्रैकस से क्या धरा है, आप बोल रहे हो कि अपने घर के तारों को या किसी भी चीज को फिर से कस लो, नहीं तो क्या ये नीचे गिर जाती है, फिर लड़ाई दंगा हो जाता है, फ्रैकस, फ्रैकस मीन्स दंगा। नेक्स्ट है फ्रेगमेंट, टुकड़ा या फिर अंश, आप बोले कि फिर आग में मिंट के टुकड़े डाल दिए तुमने, आग तेज हो जाती है बार बार क्यों डाल रहे हो, फ्रेगमेंट, ठीक है, फ्रेगमेंट मीन्स टुकड़ा या फिर अंश। नेक्स्ट है फ्यूरंकल, फ्यूरंकल मीन्स फोड़ा या फिर फुंसी, आप कह रहे हो फिर अंकल के फोड़ा फुंसी हो गए, लेकिन ये बार बार क्यों हो जाते हैं, उन्होंने बोला क्योंकि अंकल जो है नाली में खेलते रहते हैं, ठीक है, फ्यूरंकल, फ्यूरंकल मीन्स फोड़ा फुंसी। नेक्स्ट है बच्चों गैली, गैली मीन्स सुखपूर्वक, अच्छा जो लोग गैले होते हैं ना तुमने देखा होगा उनकी जिंदगी सुखपूर्वक, क्योंकि वो ज्यादा किसी पर ध्यान ही नहीं देते, कहते हैं तो गैले और कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता, ठीक है ना, तो उनकी जिंदगी क्या है, मजे में करती है सुखपूर्वक एकदम, गैली मीन्स सुखपूर्वक। नेक्स्ट है हमारे सामने गौ समर, गौ समर मीन्स मकड़ी का महीन जाला, देखिए गो मीन्स जाना और समर, गो मीन्स जाना, जब समर में आप कहीं जाते हो ना अपने घर को छोड़कर, जब वापस आते हो तो पूरे घर में महीन महीन मकड़ी के जाले लग जाते, नहीं लग जाते, ठीक है, गौ समर मीन्स मकड़ी का महीन जाला, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रटो मीन्स गुफा, आप बोल रहे हो कि घर हो तो गुफा जैसा, डर के मारे कोई आए नहीं, ठीक है, कोई मेहमान ही नहीं आए, ऐसा घर हो तो गुफा जैसा, ग्रटो, ग्रटो मीन्स गुफा। नेक्स्ट है बच्चों जिम्नेजियम, व्यायामशाला, जिम शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं जिम, जिम्नेजियम हो जाएगा यार। हिकअप मीन्स हिचकी, हिकअप, अगर किसी को हिचकी आती है तो एक कप पानी या कुछ पिला दो, हिकअप से एक कप पानी आप पिला दो, ठीक है, हिकअप मीन्स हिचकी। हरिकेन, इसका मतलब तूफान, अब हरी कह रहा है कि मैं कैन लेके भाई तूफान में पानी भरने नहीं जाऊंगा, ठीक है, हरिकेन मीन्स तूफान। नेक्स्ट है हमस, एक प्रकार का मांसाहारी भोजन, आप बोल रहे हैं कि हम मांस नहीं खाते तो हम एक प्रकार का मांसाहारी भोजन नहीं करते, हमस, याद हो जाएगा, क्लियर, चलिए इनको देख लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके देखिए करियर रिवाइज, हां बच्चों इनको और देख लें। नेक्स्ट है इंपैस, बंद गली, अब वो कह रहे हैं आई एम पास कैसे करूंगा इसको, आगे तो गली बंद है, ठीक है, इंपैस मींस बंद गली। नेक्स्ट है बच्चों जेनिटर, द्वारपाल, जेनिटर कैसे याद करोगे, हाँ द्वारपाल, द्वार माने दरवाजा और जो उस पर खड़ा रहता है ना उसको बोलते हैं द्वारपाल, तो वहां पर क्या है टर, दो टर खड़े हुए हैं एज अ द्वारपाल, तो आप बोलोगे जानी ये दो टर हैं ये किसी को अंदर नहीं आने देंगे, ठीक है, जेनिटर मीन्स द्वारपाल। नेक्स्ट है ज्वेल्ड, सुसज्जित, ज्वेलरी जानते ज्वेलरी, हाँ तो ज्वेलरी से सजा हुआ, ज्वेल्ड याद हो जाएगा, ज्वेल्ड मीन्स सुसज्जित। नेक्स्ट है हमारे सामने जुबली, उत्सव कहते हैं ना गोल्डन जुबली, सुना होगा सिल्वर जुबली, ठीक है,
याद हो जाएगा उत्सव। नेक्स्ट है कर्नल, गिरी या फिर अंदर का गूदा, बादाम की मिंगी होती है ना अंदर का पार्ट, हाँ गिरी या मिंगी या किसी भी चीज का अंदर का गूदा, तो कर्नल साहब है वो सिर्फ अंदर का गूदा ही खाते हैं या किसी भी चीज की मिंगी या फिर गिरी खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किमोनो, इसका मतलब होता है जापान का एक पारंपरिक वस्त्र किमोनो। खुद सोचो कितना अलग शब्द नहीं लग रहा किमोनो, ठीक है अपने आप याद हो जाएगा ये तो, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों मैमन, इसका मतलब होता है धन दौलत। आजकल मैं पूछता हूं ना किसी से भी कि तुम्हारा मन किस चीज का करता है, तो बोलते हैं मैमन मतलब मेरा मन धन दौलत कमाने का करता है। किसी से भी पूछो, हाँ सोनू ऐसा ही है कि नहीं, तेरा मन करता है ठीक है, मैमन मीन्स धन दौलत। नेक्स्ट है बच्चों मैमथ, बहुत बड़ा, और मैम मैथ की जब आती है ना तो मुझे दिन बड़ा लगता है, क्योंकि एक तो पढ़ने का मन नहीं करता मैथ, तेरा मन करता है, मेरा तो बिल्कुल नहीं करता, ठीक है मैमथ बहुत बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है मार्चर, प्रदर्शन करने वाला, मार्च पास करते हैं ना फ्लैग मार्च है ना करते हैं ना, तो मार्चर प्रदर्शन करने वाला, ठीक है। मैट्रस गद्दा, सब लोग जानते हैं मैट्रस में गद्दा होता है। मैरिली केवल या मात्र, कभी कभी कहते हैं ना कि देख तू किसी के लिए टाइम निकाले मत निकाले, लेकिन मेरे लिए तो जरूर निकाल ले, केवल मेरे लिए निकाल ले बस टाइम, या मेरे लिए बचा के रखियो खाने की चीज, चाहे सारी चीज कुछ भी खत्म हो जाए, ऐसे बोलते नहीं बोलते, तो मेरे लिए याद हो जाएगा केवल या फिर मात्र। नेक्स्ट है मकैसन, मकैसन मींस एक प्रकार का जूता। आपने बोला मेरे पास एक प्रकार का जूता है जिसे मैं केवल ओकेशन पर, मैं ओकेशन पर ही पहनकर जाता हूं, कोई ओकेशन होता है तब ही पहनकर जाता हूं, मकैसन याद हो जाएगा, ठीक है एक प्रकार का जूता। नेक्स्ट निग्रोज, हबशी या फिर काला आदमी, निग्रोज, निग्रोज सब जानते हैं, निग्रोज जो लोग होते हैं हबशी, ठीक है निग्रोज, हबशी या फिर काला आदमी। नेक्स्ट है हमारे सामने ने, मींस घोड़े का हिन हिनाना, ने एन ई आई जी एच याद हो जाएगा ने। नेक्स्ट है न्यूज, न्यूज स्टैंड, समाचार पत्र बेचने की अस्थायी दुकान, यानी ऐसी दुकान कभी यहां है कभी वहां, अस्थायी मतलब एक जगह नहीं रहती वो, तो न्यूज स्टैंड क्या इजी है, न्यूज और स्टैंड याद हो जाएगा सबको, न्यूज स्टैंड में समाचार पत्र बेचने की अस्थायी दुकान, इजी है। चलिए इनको देख लें फिर आगे बढ़ते हैं, ओके चलिए बच्चों करें। यस फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि सारे शब्द आपको याद हो गए होंगे, अब आपको क्या करना है रिवीजन, ओके सारे वर्ड्स आप डिस्क्रिप्शन में से उतार लें, और अगर आप कोई अच्छी स्टोरी बना सकते हो किसी वर्ड की तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं, ओके पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।